लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन रेंगसू के एग्जाम में उसके सामने उसके ही ग्रैंडफादर को इंसाफी के लिए ले आई थी, पर क्वीन रेंगसू उन्हें ना मारने का फैसला करते हुए उन्हें आजाद कर दिया था। उसके बाद एंजल गौर की स्टैचू को दबा कर दिया था, जिसके बाद टैंक्शन अपनी पूरी आर्मी के साथ जेलिंग पास के सामने आ गया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेलिंग पास का सीन दिखाते हैं, जिसके सामने टियांडो एम्पायर के पूरी आर्मी आ चुकी होते हैं, और फिर हमें टियांडो आर्मी का एक अमेजिंग व्यू दिखाया जाता है, जहां हम टियांडो आर्मी के बड़े बड़े पावरफुल वेपन को भी देख पाते हैं, जिनके साथ वे अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स के टीम भी जंग के लिए आए होते हैं, और साथ ही ग्रैंड मास्टर और मार्शल जीलांग भी आ गए होते हैं। इसके बाद हमें एम्परर सुबैंग को दिखाते हैं, जो अपनी आर्मी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, आखिरी लड़ाई में हमारी सेना ने शुरुआत की जीत हासिल कर ली है, और अब हमें अपनी अंतिम जीत की ओर बढ़ना है और जेलिंग पास को जीतना है। यह सुनकर मार्शल जिलांग उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि पहली लड़ाई हमारे सैनिकों ने जीते हैं, जिसे हमारे आर्मी की मनोबल बहुत ही ज्यादा है, और इस लड़ाई में जीत हमारे आर्मी का ही होगी। इसके बाद टैंक्शन आगे आता है और अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकालते हुए कहता है कि जीत हमारी ही होगी। इसके साथ ही पूरे आर्मी टैंक्शन के साथ यही नारा लगाने लगते हैं, और यह देखकर हुलिना को जलन हो रहे होते हैं, और फिर बोलती है कि पिछली बार की तुलना में टियांडो आर्मी के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा बदलाव आया है। इस बार उन्होंने फ्रंट लाइन में श्रेक डेविल्स, गोल्डन आयरन ट्रायंगल और कुछ सोल और मास्टर्स को रखा है, और अब टैंक्शन ओशन गॉड ट्राइडेंट को यूज करने के बारे में सोच रहा है, ताकि वो जेलिंग पास के दीवारों को तोड़ सके, ताकि उनकी आर्मी अंदर घुस सके। और उनके टॉप सोल मास्टर सच में पावरफुल है, पर यह बैटल सिर्फ सोल मास्टर की नहीं है, जिसके साथ ही हुलिना अपने सभी ग्रैंड सोल मास्टर और दीवारों को प्रोटेक्ट करने वाली सभी आर्मी को तीरों को छोड़ने की आदेश देती है, और जैसे ही वो ऑर्डर देती है, हुहन एम्पायर के तरफ से बहुत सारे तीरों को टियांडो आर्मी पर छोड़ा जाता है, जो देखने के साथ ही टियांडो एम्पायर के एक सोल मास्टर अपनी आर्मी को प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए कहता है, जिस पर वो सभी मेंबर अपनी अपनी शील्ड तैयार कर लेते हैं, और साथ ही ओल्ड राइनो अपनी सेवंथ स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी मार्शल फ्रॉम बाहर निकाल कर तीरों को रोकने लगते हैं। यह सब देखकर हुलिना कहती है कि आप सबके शील्ड तो पावरफुल है, पर फ्रंट लाइन में जो भी होता है वो अटैक पर ध्यान नहीं देता है, पर आपके ट्राइब में डिफेंस के लिए सोल मास्टर है, लेकिन जब तक हुहन एम्पायर ऊंचाई पर है तब तक आप अपनी अटैक्स नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग रोंग उन सभी सोल्जर की पावर को बूस्ट करने लगते हैं, जिससे वो सभी सोल्जर अपनी शील्ड को और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। वही श्रेक डेविल्स भी अपनी अपनी तरीके से उन तीरों से निपटने लगते हैं। वही टैंक्शन भी अपनी आर्मी को बचाने के लिए उनके सामने ब्लू सिल्वर प्लांट के एक दीवारों को खड़ा करके उन तीरों को रोकने लगता है। तभी टैंक्शन हुलिना की इस प्लानिंग को देखकर कहता है, हुलिना तुम पहले से ही जानती हो कि कैसे ट्रूप्स को हैंडल किया जाता है, इसलिए तुम गोल्डन जनरेशन में नंबर वन पर हो, इसलिए तुम यह मत भूलना लिमिटेड स्ट्रेंथ पूरी स्ट्रेटजी पर हावी हो जाती है। जिसके साथ ही टैंक्शन ऊपर हवा में चला जाता है और वही रोंग रोंग टैंक्शन के पावर को और बढ़ाने लगते हैं, जिससे टैंक्शन ट्राइडेंट की अटैक को तैयार करने लगता है। यह देखकर हुलिना कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था कि टैंक्शन गॉड ऑफ ओशन के ट्राइडेंट को यूज करने वाला है, और इसके लिए टैंक्शन ने खुद को आर्मी से अलग कर दिया है। यह देखते ही हुलिना अपने सभी ग्रैंड सोल मास्टर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि टैंक्शन को गैर लो और उस पर अटैक करो, जो सुनते ही सभी सोल मास्टर टैंक्शन के तरफ बढ़ने लगते हैं। वही यह देखकर टैंक्शन कहता है कि जो मरने से नहीं डरता है वो मेरी मैजिकल वेपन के तरफ बढ़ सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन ट्राइडेंट को लॉन्च कर देता है, पर इस अटैक को रोकने के लिए हुहन एम्पायर के सभी सोल मास्टर रोकने के लिए कोशिश करते हैं, पर टैंक्शन का अटैक इतना पावरफुल था कि वो उन सभी की सील को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है, जिससे वो सभी मास्टर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, और फिर वो ट्राइडेंट सीधा जाकर जेलिंग पास के दीवारों पर जा लगता है, जिसे वो दीवार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही ब्लैक टाइगर क्लैन के चीफ अपनी सभी सोल्जर को दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। यह ऑर्डर मिलते ही सभी सोल्जर्स उस दीवारों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। फिर घोट सेक्ट के चीफ हुलिना को बताती है कि ब्लैक टाइगर आर्मी ज्यादा देर तक गेट पर डिफेंस नहीं कर सकती है, और वही टैंक्शन अपने ट्राइडेंट को वापस खींच लेता है, एक और अटैक को तैयार करने लगता है।
जिसे वो तैयार होती ही ब्लैक टाइगर डिफेंस पर छोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही टैंक्शन जेलिंग पास के नजदीक जाता है, वैसे ही वहां पर बिबाडोंग आ जाती है और जेलिंग पास के चारों तरफ एक सील्ड बना लेती है, जिसे टैंक्शन का ट्राइडेंट वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखकर टैंक्शन कहता है कि मैंने पिछले बार इसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर ड्रैगन सेक्ट के चीफ की पावर को ऑब्जर्व करके खुद को रिकवर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जेलिंग पास के नजदीक आ जाते हैं और बिबाडोंग से कहते हैं कि अब तुम्हें ऐसे गलत रास्तों पर चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इरादे गलत हैं, इसलिए तुम कभी जीत नहीं सकती हो। इस पर बिबाडोंग कहती है कि तुम यह सब कह रही हो, मैं वही कर रही हूँ जो हेवन मुझसे करवाना चाहता है। टियांडो और जिंगलू एम्पायर पिघलती जा रहे हैं, जिससे यह दोनों एम्पायर अपने लोगों को कष्ट में छोड़कर युद्ध में उलझे रहते हैं। इसीलिए सही यह है कि यह सही बात नहीं है, उसे अपना पर छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मार्शल एम्पायर को पूरे डॉलुओ कॉन्टिनेंट पर अधिकार कर देना चाहिए, और मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना चाहती हूँ, जिसे आगे कोई युद्ध नहीं होंगे और मैं इस दुनिया में शांति लेकर आऊंगी। यह सुनकर के ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम जो कह रही हो और जो कर रहे हो वो बिल्कुल अलग है, जो मैं देख रहा हूँ इससे लोगों के पास घर तक नहीं है, और तुम अपने से पूछो। और यह कहने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा।